नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विद अवर फैंटास्टिक सब्जेक्ट दैट इज बायोलॉजी। हमारे बायोलॉजी के लास्ट क्लास में इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इस चैप्टर में हमने कलर ब्लाइंडनेस का क्रॉस किया था। उसके बाद मैंने तुझे हीमोफीलिया का क्रॉस होमवर्क दिया था। मैं उम्मीद करता हूँ वो सारे लेक्चर्स आपको समझ में आए हैं। हीमोफीलिया से संबंधित हमने एक क्वेश्चन होल्ड पे रखा था कि हीमोफीलिया बी को क्रिसमस डिजीज भी बोलते हैं। तुमने फाइंड आउट किया उसको क्रिसमस डिजीज क्यों बोलते हैं? उसको क्रिसमस डिजीज इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो स्टीफन क्रिसमस करके फर्स्ट पेशेंट था जिसमें वो बीमारी सबसे पहली बार ढूंढी गई थी। सो द फर्स्ट पेशेंट वॉज नेम्ड एज क्रिसमस, सो द डिजीज इज नेम्ड आफ्टर हिम एज क्रिसमस डिजीज। चलो एक और एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोग ये याद रखेंगे कि उसी हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज भी बोलते हैं। द सेम हीमोफीलिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज रॉयल डिजीज बिकॉज ये डिजीज क्वीन विक्टोरिया को था बेटा। और क्वीन विक्टोरिया ने यह बीमारी अपने 9 में से 3 बच्चों को ट्रांसमिट किया था। ओके, सो 9 में से 3 ऑफस्प्रिंग को उसने ये डिजीज ट्रांसमिट किया था, इसीलिए हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज का भी नाम दिया गया। रॉयल डिजीज यानी देखो महारानी है क्वीन विक्टोरिया, राइट? ओके, सो राजा महाराजा राजघराना हो गया। सो उस हिसाब से ये बीमारी का नाम भी और उसका पद भी बढ़ गया, उसको रॉयल डिजीज नाम दे दिया। तो कभी भी अगर एनसीक्यू में रॉयल डिजीज पूछे ना तो याद रखना इट इज नथिंग बट हीमोफीलिया। मूविंग ऑन, आज के क्लास में हम क्या बात करेंगे? आज के क्लास में मेन हमको डिस्कस करना है सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। अब सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि आने वाला बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगी। द ऑफस्प्रिंग विल बी मेल और फीमेल, ये कैसे डिसाइड होता है? कैसे पता चलता है कि आने वाला बच्चा मेल होगा कि फीमेल होगी? अब उससे रिलेटेड बेसिक पॉइंट्स पहले शुरू करेंगे। कभी भी बायोलॉजी में मोनोइशियस वर्ड देखा ना तो उसका मीनिंग ऑपोजिट में ले जाने का। मोनो मतलब वन, सो मोनोइशियस का ऑपोजिट, चलो मोनो का ऑपोजिट चलो टू पे। सो मोनोइशियस का मीनिंग इज बाइसेक्सुअल। इसके लिए एक और वर्ड है हर्माफ्रोडाइट। अब वैसे ही कभी भी बायोलॉजी में अगर तुमने डाइशियस वर्ड देखा ना, अब डाई मतलब टू, सो उसका मीनिंग ऑपोजिट लेने का। डाइशियस मींस यूनिसेक्सुअल। अब इसका कॉन्सेप्ट कैसा है एक एक वर्ड क्लियर कर लेते हैं। जब हम लोग बायसेक्सुअल बोलते हैं, बायसेक्सुअल में बाय मतलब टू, सो टू से संबोधित क्यों किया है इसको? क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, एक ही बॉडी में आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी मिलेगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी मिलेगा। सो एक ही प्राणी में अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों भी है तो उसको हम लोग बायसेक्सुअल बोलेंगे। अब बायसेक्सुअल शब्द कहां से आया है? बाय मींस टू और सेक्स मतलब जेंडर। सो जेंडर के हिसाब से देखोगे तो दो हो गया ना। और मोनोइशियस नाम क्यों रखा है? क्योंकि मोनो मींस सिंगल, यानी ऐसे प्राणी का अगर हम लोग बॉडी देखें तो एक ही तरह का बॉडी है उसके पास। यानी इनमें मेल और फीमेल सब एक ही बॉडी में होता है, सो एक ही तरह का बॉडी है। अब यहां डाइशियस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। अब यूनिसेक्सुअल में कैसा होगा, ये इंसान का एक बॉडी ऐसा होगा जिसमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और एक बॉडी ऐसा होगा जिसमें सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जैसे ह्यूमन, हम में कैसे लड़का है और लड़की है, सो एक शरीर ऐसा होगा जिसमें पुरुष का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ओके, और एक ऐसा होगा जिसमें
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सो अब जेंडर के हिसाब से चलो तो बॉडी में सिर्फ एक ही जेंडर दिख रहा है, सो यूनिसेक्सुअल, यूनि मींस सिंगल, सेक्सुअल मींस जेंडर। बट बेटा अगर तू बॉडी के हिसाब से चलेगा सो इनमें दो अलग अलग किस्म की बॉडी है ना, एक ह्यूमन ऐसा है जो मेल है, एक ह्यूमन ऐसा है जो फीमेल है, पर इनमें सिर्फ एक ही किस्म की बॉडी है और उसी में दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सो बॉडी को रेफरेंस लेके चलोगे ना तो टाइटल आता है मोनोइशियस, बॉडी को रेफरेंस लेके चलोगे तो यहां टाइटल आएगा डायोइशियस। अब ये बच्चे का सेक्स, बच्चे का जेंडर, वो बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगी, ये कैसे डिसाइड होता है उस बारे में देखते हैं। 1891 में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था, इनका नाम था हैंकिंग। ओके, हैंकिंग रिसर्च कर रहे थे स्क्वाश वर्म पे, जिसका दूसरा नाम है अनासा क्रिस्टिस। सो इस कीड़े के ऊपर ना हैंकिंग रिसर्च कर रहा था बेटा, और इस कीड़े में हैंकिंग ने क्या स्टडी किया, उनका स्पर्मेटोजेनेसिस स्टडी किया। स्पर्मेटोजेनेसिस मींस, स्पर्मेटो मींस स्पर्म और जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। सो इस कीड़े के अंदर उनका स्पर्म कैसे फॉर्म होता है वो पढ़ाई कर रहा था हैंकिंग। अब हैंकिंग ने क्या नोटिस किया कि इस कीड़े के अंदर दो तरह के स्पर्म्स बनते हैं, कुछ कुछ स्पर्म्स ऐसे बनते हैं जिसके अंदर अनपेयर्ड क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, और कुछ कुछ स्पर्म ऐसे बनते हैं जिसके अंदर यही अनपेयर्ड क्रोमोसोम एब्सेंट है, यानी उसके अंदर कोई क्रोमोसोम नहीं है। फिर हैंकिंग ने नोटिस किया कि इन ऑर्गेनिज्म में होता क्या है कि वो वाला बच्चा जो इस वाले स्पर्म से बना है जिसके अंदर अनपेयर्ड क्रोमोसोम है वो फीमेल होती है, और वो वाला बच्चा जो इस वाले स्पर्म से बनेगा वो मेल होगा। यानी फाइनली इन कीड़ों में उसने नोटिस क्या किया कि इन कीड़ों में XX और XO, या तो X0 बोलो, XX0 टाइप का पैटर्न होता है, जहां फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम होता है और मेल के पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। अब सबसे पहले ये बाहर कर लो, ओके, ये इंसेक्ट्स ये सब में कैसा रहता है ना, ओके, मेल को ऐसे याद रख लो कि मेल का कोई वैल्यू ही नहीं है, ओके, राइट। फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम, मेल में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है और एक क्रोमोसोम नहीं है, सो ऐसे याद रखो मेल का कोई वैल्यू ही नहीं है, ओके। अब बात ये है कि मेल जब स्पर्म बनाता है, देखो ना, अगर उसका फॉर्मूला XO है, सो कुछ स्पर्म ऐसा बनाएगा जिसके अंदर क्रोमोसोम होगा, दैट अनपेयर्ड क्रोमोसोम। बाद में उसको पता चला कि ये अनपेयर्ड क्रोमोसोम को उसने नाम एक्स बॉडी दिया था बेटा, और साइंटिस्ट लोग ने बाद में ढूंढा कि ये एक्स बॉडी के हिसाब से ही इन इंसेक्ट्स में, इन कीड़ों में इनका जेंडर डिसाइड होता है, फिर जाके इसको नाम दिया गया एक्स क्रोमोसोम। ओके, राइट। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल है ग्रासोपर, ग्रासोपर में भी सेम होता है बेटा, सो ये एग्जाम में आ सकता है। ये जो एनासा ट्रिस्टिस, ये जो कीड़ा है और ग्रासोपर है, इनमें सेक्स डिटरमिनेशन मेथड XXX0 टाइप का है, जहां फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम होता है और मेल के पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। ओके, मेल दो तरह के स्पर्म्स बनाता है, एक स्पर्म ऐसा बनाएगा जिसमें अनपेयर्ड क्रोमोसोम यानी एक्स क्रोमोसोम, तो एक स्पर्म ऐसा बनाता है जिसमें एक्स क्रोमोसोम होता है
और एक स्पर्म ऐसा बनेगा जिसमें एक्स क्रोमोसोम नहीं होगा, क्योंकि उसमें जीरो जाएगा, जीरो यानी कुछ भी नहीं बेटा। अगर ये वाला स्पर्म कंबाइन हुआ और इसने बच्चे को जन्म दिया तो यहां से एक्स आएगा और फीमेल के पास से एक्स, सो एक्स और एक्स यानी फीमेल। और अगर ये वाला स्पर्म कंबाइन हुआ तो इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है यानी जीरो, ये फीमेल के साथ कंबाइन होगा जिसके पास एक्स है, सो एक्स और जीरो यानी फिर वो बनेगा मेल। ओके आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही सेक्स डिटर्मिनेशन कुछ कुछ एनिमल्स में सेक्स डिटर्मिनेशन इज डिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट। ये बहुत ही कमाल का पॉइंट है। अच्छा, सेक्स डिटर्मिनेशन इज डिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है मालूम है? कि एनवायरनमेंट के बदलते हालातों के हिसाब से बच्चे का जेंडर तय होता है, जिसमें मैं पहले सिंपल एग्जांपल देता हूं। ओके, जैसे कि क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में कैसा है ना कि क्रोकोडाइल जब अंडे दे देता है, अब वो अंडे के आजू बाजू का टेम्परेचर अगर कम है तो अंडा जब फूटेगा ना तो उसमें से फीमेल निकलेगी, और आजू बाजू का टेम्परेचर अगर ज्यादा है वो अंडा जब फूटेगा ना तो अंडा मेल बनेगा। यानी देखो इनमें कितनी कमाल की बात है। इफ द टेम्परेचर इज लो विच इज अप्रोक्सीमेटली बिलो 31 डिग्री सेल्सियस, सो क्रोकोडाइल को कितना मजा है ना। क्रोकोडाइल है ना कैसा है कि अगर उसको समझो मेल क्रोकोडाइल को जन्म देना है तो वो क्या करेगा ना, ऐसे जगह में जाके अंडे को डिलीवर करेगा, अंडे को रख देगा जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, फिर वो अंडा फूटने के बाद मेल ही पैदा होगा। ओके राइट। और अगर उसको फीमेल को जन्म देना है ना तो वो अंडे ऐसी जगह पर देगा जहां पर टेम्परेचर कम है, सो टेम्परेचर के हिसाब से आने वाले बच्चे का जेंडर डिसाइड होता है। इमेजिन कितना अमेजिंग पॉइंट है। अच्छा, हम इंसानों में ऐसा नहीं है, नहीं तो हम इंसानों में लोग क्या करने लगते, एसी का टेम्परेचर कम कर देते हैं, टेम्परेचर एकदम कम कर दिया और फिर वुमेन को एकदम मस्त ठंडे क्लाइमेट में ही रखते हैं। एकदम ठंडे क्लाइमेट में रखा तो फीमेल, हाई टेम्परेचर में रखा, ओके, एसी एसी बंद, पूरा गर्मी एकदम धूप में घुमा उसको, हाई टेम्परेचर में रखा तो मेल। अच्छा है, कुदरत ने इंसान को ऐसी फीचर नहीं दी है, इंसान में सेक्स डिटर्मिनेशन का मेथड ही अलग है, उस बारे में हम डिस्कस करेंगे बेटा। अच्छा, ये हो गया क्रोकोडाइल। वैसे ही एक और कीड़ा है जिसका नाम है बोनेलिया विरिडिस। अब बोनेलिया विरिडिस जो कीड़ा है ना, इसमें जो फीमेल होती है वो फीमेल का जो बॉडी है वो 10 सेंटीमीटर का है, बट ये फीमेल का जो प्रोबोसिस है एक मीटर लंबा है। प्रोबोसिस यानी डंक, जैसे मच्छर का डंक होता है ना जिससे वो खून चूसता है, उसको प्रोबोसिस बोलते हैं बेटा। ओके, यानी उसका माउथ वाला पार्ट। सो इनका प्रोबोसिस एक मीटर लंबा होता है। अब बोनेलिया विरिडिस में ना बहुत ही अलग मेथड है सेक्स डिटर्मिनेशन का। अब बोनेलिया विरिडिस अगर इसका है ना सेक्स किस पर डिपेंडेंट है, इसका द सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द लार्वा का लोकेशन, कि उसका जो कीड़ा है ना वो कीड़ा कहां पे पला बड़ा है। अगर वो कीड़ा सी फ्लोर पे पला बड़ा है तो आगे चल के वो फीमेल कीड़े में विकसित होगा, पर अगर वो कीड़ा फीमेल के प्रोबोसिस के ऊपर पला बड़ा है, ओके, प्रोबोसिस से फीमेल के बॉडी में गया और फीमेल के बॉडी में खास करके उसके यूटरस में गया, फिर आगे चल के ये कीड़ा मेल बनता है। यानी इनमें क्या होता है, मतलब इनमें बेसिकली जितने भी मेल होते हैं ना वो फीमेल के यूटरस के अंदर ही होते हैं, उधर ही ग्रो होते और उधर ही उसको फर्टिलाइज कर देते हैं और आगे रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं।
सो ये याद रखो, सो इनमें आने वाला बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगी ये निर्भर करता है कि वो बच्चे का जो कीड़ा वाला फॉर्म है ना वो कहाँ पर है। अगर वो सी फ्लोर पर है यानी एकदम समुद्र की गहराई में है तो वो फीमेल में विकसित होता है, और अगर वो जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसके प्रोबोसिस पे है, प्रोबोसिस से अंदर गया उसके बॉडी में यूट्रस में गया और उधर जाके विकसित हुआ तो वो मेल में विकसित होगा। द मेल विल ऑलवेज एक्ट एज अ पैरासाइट और यू कैन से द मेल विल बी ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इन द यूट्रस एंड व्हेन द मेल ग्रोज एंड बिकम्स मैच्योर द मेल फर्टिलाइजेस द फीमेल। क्लियर है इतना? चलो स्क्रीनशॉट ले लो इतना। चलो इसको रब कर देते हैं अभी। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमंस। इंसानों में आने वाला बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगी ये कैसे तय होता है? जब एक वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती है तभी से पूरा का पूरा ड्रामा स्टार्ट होता है। हम सब जानते हैं कि अलग अलग जात में, अलग अलग धर्म में, अलग अलग कस्टम ट्रेडिशंस, ओके, अलग अलग फैमिलीज में लोगों का अपना अपना खुद का कॉन्सेप्ट होता है। सो लोगों ने ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया है कि अगर पेट का साइज बड़ा है प्रेगनेंसी के टाइम तो लड़का होगा, साइज छोटा है तो लड़की होगी। बच्चा कितना लात मारता है उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि लड़का होगा कि लड़की होगी। फिर लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ कुछ गांव में तो ऐसी भी बातें हैं, तुम सात कुआं देखो, कुआं में झांको तो लड़का होगा नहीं तो लड़की होगी। बट ये नहीं सोचते कुआं में अगर गिर गया तो कितना बड़ा रिस्क होगा। चांद को देखो, ये हवन करा लो, ये पूजा करा लो, उस हिसाब से लड़का प्राप्त होता है, लड़की प्राप्त होती है। अब ये लड़का लड़की ये पूरा गेम क्यों चल रहा है? क्योंकि बहुत सारे परिवारों में देयर इज एन इररेसिस्टिबल डिजायर फॉर अ मेल चाइल्ड। उन परिवारों को ना एक बहुत ही ज्यादा चाहत होती है लड़के की, जो कि काफी गलत है। आज के तारीख में हम सबको ये बात याद रखना है कि लड़की हर कुछ वो कर सकती है जो एक लड़का कर सकता है, ठीक है? तो लड़का और लड़की इसमें हमको जेंडर के हिसाब से भेदभाव नहीं करना चाहिए, जो अपने आप में काफी गलत है। सो लेट्स सी इंसानों में एक्चुअली जेंडर डिसाइड कैसे होता है। और सबसे बुरी बात यह है कि क्योंकि हर परिवार को है ना लड़के की चाहत होती है, इसीलिए जब एक वुमेन शादी करके आती है, एक लड़की जब अपने ससुराल आती है, सोचो वो अपना घर छोड़ के जब ससुराल में आती है और बच्चे को जन्म देती है, फिर 9 महीना प्रेगनेंसी संभालने के बाद, चाइल्ड बर्थ का इतना दर्द संभालने के बाद, ठीक है, कई बार तो इसमें ऑपरेशन भी कराना पड़ता है, सिजेरियन सेक्शन कराना पड़ता है, वो ऑपरेशन का टांका इतना दुखता है, राइट? ये सब कराने के बाद अगर वो एक लड़की को जन्म देती है, फिर उसको दोबारा प्रेग्नेंट किया जाता है, फिर वो लड़की को जन्म देती है। सो कैसे ना, परिवारों में जब वो बार बार लड़की को जन्म देती है तो हम सब अक्सर ये मानते हैं, हमारे समाज में ऐसा माना जाता है कि आने वाला बच्चा लड़की है, इसका सारा दोष उठा के है ना औरत पे डाल दिया जाता है। जहां हस्बैंड यानी मेल जेंडर हमारे नॉलेज के हिसाब से, हमारे समाज के हिसाब से एकदम बेफिकर घूम रहा होता है। अब जब भी एक औरत बार बार लड़की को जन्म देती है तो उसका सारा दोष एक औरत पे डाला जाता है, औरत सारी की सारी तकलीफ सह रही है, अपने सास ससुर का ताना सुनती है, जहां लोग उसको ताना मारते हैं कि तुझमें ही कोई खोट है इसलिए बार बार लड़की को जन्म दिया जा रहा है, और जहां आदमी मस्त एकदम खुला प्राणी की तरह इधर उधर घूमता रहता है। सो लेट्स सी ये सारा का सारा दोष किसको देना चाहिए। पहली बार दोष देना नहीं चाहिए, और अगर हम दोष की बात भी करते हैं तो हमारा योयो बायो हमको क्या सिखाता है, लेट्स सी। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमंस। ऐसे ना सेक्स डिटरमिनेशन के 3 एग्जांपल करेंगे हम लोग, एक ह्यूमंस का, उसके बाद बर्ड्स, और उसके बाद हनी बीज का। अब इंसानों में क्या होता है ना, टोटल हमारे पास 46 क्रोमोसोम होता है,
अब ये 46 क्रोमोसोम में से 44 क्रोमोसोम्स क्या है, ऑटोसोम्स है। बाकी दो क्रोमोसोम क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है। ओके अच्छा, ये दो जो क्रोमोसोम है मेल्स में, ये दो क्रोमोसोम एक्स वाई होता है, और फीमेल्स में ये दोनों क्रोमोसोम एक्स एक्स होता है। अब ये नॉलेज हमने ऑलरेडी प्राप्त किया है हमारे पिछले लेक्चर से बेटा, दिस वी हैव ऑलरेडी सीन इन द प्रीवियस लेक्चर। अब इसी नॉलेज को आगे बढ़ाते हैं। चलो, इंसान का सेक्स डिटरमिनेशन यानी एक इंसान का आने वाला बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगी इस बारे में देखते हैं। पर बच्चा आने से पहले शादी तो होना चाहिए, शादी होने से पहले दूल्हा और दुल्हन तो होनी चाहिए। सो लेट अस हैव दुल्हा ओवर हियर एंड दुल्हन ओवर हियर। हियर वी विल राइट P1 जनरेशन। फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन, ओके। उसके नीचे वी विल राइट डाउन जीनोटाइप। जीनोटाइप यानी जेनेटिक फॉर्मूला। हम इंसानों में लड़कों का जेनेटिक फॉर्मूला क्या होगा, लड़कों का जेनेटिक फॉर्मूला होगा 44 प्लस एक्स वाई, और लड़कियों का जेनेटिक फॉर्मूला क्या होगा 44, यानी इनके पास भी 44 ऑटोसोम्स है, पर इनके पास जो दो सेक्स क्रोमोसोम है ना वो एक्स और एक्स है। टोटल क्रोमोसोम 46 है, 44 तो ऑटोसोम हो गया, 45 फिर 46, वैसे यहां 44 ऑटोसोम है फिर दो सेक्स क्रोमोसोम है, 45 46, यहां दोनों सेक्स क्रोमोसोम अलग अलग है एक्स वाई, यहां सेम है एक्स एक्स। अब इसको कवर कर दो, सो लेट अस पुट अ घूंघट अराउंड द दुल्हन एंड दूल्हे का सेहरा तो सुहाना लगता है। अब द दुल्हा इज रेडी, द दुल्हन इज रेडी, अब होगा इनका शुभ विवाह। सो ये दोनों एक दूसरे को बोल देते हैं कबूल है कबूल है कबूल है। अब जब क्रॉसिंग को आगे ले चले हम लोग तो नेक्स्ट स्टेप होगा गैमेट फॉर्मेशन। अब गैमेट फॉर्मेशन में क्या होता है ना, क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। ये क्रोमोसोम नंबर आधा होएगा, क्यों आधा होएगा, क्योंकि यहां कौन सा सेल डिवीजन हो रहा है, मियोसिस, एंड मियोसिस इज आल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन डिवीजन। 44 का आधा करो 22 और 22, तो आधा आधा अलग अलग रख दो, x और y को अलग अलग कर दो, x इधर और ये y इधर, सो 22 प्लस x ये एक गैमेट बना और 22 प्लस y ये एक गैमेट बना। अगर हम लोग मेल्स की बात कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए मेल के गैमेट को स्पर्म्स बोलते हैं। अब यहां दो तरह के स्पर्म बन रहे, कुछ कुछ स्पर्म ऐसे बन रहे जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है और कुछ कुछ स्पर्म्स ऐसे बन रहे जिसके अंदर वाई क्रोमोसोम है। इसलिए हम बोलेंगे इंसानों में स्पर्म्स आर हेटेरोगैमेटिक। ओके, वैसे ही ओवम का फॉर्मेशन देख ले बेटा, फीमेल गैमेट कैसे बनेगा, 44 का आधा करो 22, 22, x और x को अलग कर दो, x इधर, नाउ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज ओवम। अब ओवम है ना एक ही तरह का है, यानी सारे ओवम में सिर्फ x क्रोमोसोम ही होगा क्योंकि y क्रोमोसोम तो है नहीं फीमेल के पास। सो यहां हम लोग लिखेंगे दैट द ओवम इज होमोगैमेटिक। इसके बाद आता है सबसे मेन, दैट इज F1 जनरेशन। फर्स्ट फीलियल जनरेशन। नाउ यू कंबाइन यहां का जो फर्स्ट वाला है ना उसको यहां के फर्स्ट वाले के साथ कंबाइन करो, सो व्हाट वी गेट इज 22 और 22 कंबाइन होगा, 22 और 22 क्या हो गया 44, एक्स और एक्स कंबाइन होके एक्स एक्स। ओके, then you combine first with second wala, so 22 or 22 hoga 44 plus xx। acha, now you beta combine second with first wala, so this will be 44 plus xy,
then you combine second with second wala. This will be 44 plus x1. अब देखो ये क्या होगी, ये लड़की होगी, सो दिस इज गर्ल चाइल्ड, ये भी लड़की बेटा, ये लड़का और ये भी लड़का। अब इस पूरे क्रॉस में हम लोग क्या सीख रहे हैं कि चार बच्चों में से ऐसी संभावना है कि दो बच्ची लड़कियां होंगी और दो बच्चे लड़के होंगे, चार में से दो। So, अगर हम लोग दो की पॉसिबिलिटी ले तो दो में से ऐसा चांस है कि एक लड़का होगा एक लड़की होगी, और ऐसे अभी हर बार चार बच्चे तो होते नहीं है, ओके? ऐसे हम लोग अगर एक बच्चे की बात करें तो जब भी एक बच्चे का जन्म होता है ना तो 50% संभावना यह है कि वो लड़का होगा और 50% संभावना यह है कि वो लड़की होगी। सो वो हमारा कंक्लूजन है, वो हमारा फाइनल रिजल्ट है। हम इस क्रॉस से क्या सीख रहे हैं, हम इस क्रॉस से ये सीख रहे हैं दैट द चांस for a child to be boy or a girl is always a 50%. हमेशा 50% चांस रहता है, क्यों पता है? देखो फीमेल तो हमेशा अपना एक्स क्रोमोसोम दे रही है, अब वो एक्स क्रोमोसोम अगर एक्स वाले स्पर्म के साथ कंबाइन हुआ तो लड़की, और वो वाला फीमेल का गैमेट अगर वाई वाले स्पर्म के साथ कंबाइन हुआ तो लड़का। अब यहां तो दो ही अक्षर है ना, एक्स और वाई, इसीलिए 50% चांस है कि शायद एक्स वाला स्पर्म कंबाइन करेगा और 50% चांस है कि शायद वाई वाला स्पर्म कंबाइन करेगा। अगर एक्स वाला स्पर्म कंबाइन करता है तो लड़की, और वाई वाला स्पर्म कंबाइन किया तो लड़का। Now, ये पॉइंट यहाँ क्यों लिखा है, द चांस फॉर द चाइल्ड टू बी मेल और फीमेल इज ऑलवेज 50%। इट इज बिकॉज जब बच्चों, जब भी हम लोग किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, ये बात याद रखना, जब भी हम लोग किसी मुसीबत में फंस जाते हैं और हमारे एक्सपेक्टेशंस, हमारी उम्मीद कुछ ज्यादा ही ऊंची होती है, ऐसे टाइम पे हम फंसते हैं। अब बहुत सारे परिवारों में, समझो किसी परिवार में तीन लड़कियों का जन्म हो चुका है, अब उनको लड़का चाहिए, ओके? तो फिर ऐसे लोग क्या करते हैं ना, ये लोग जाते हैं तरह तरह के बाबा पंडित मौलवी के पास, रिलीजियस पर्सन के पास, क्वैक्स के पास। अच्छा, रिलीजियस पर्सन यानी बेटा वो लोग जो लोग बेवकूफ बनाते हैं, जो गुमराह करते हैं लोगों को, विश्वास रखो पर अंधविश्वास मत रखो बेटा। सो यहाँ कैसा हो जाता है ना, फिर वो बाबा पंडित ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग तरह तरह का थोड़ा हवन वगैरह करेंगे, पूजा वगैरह करेंगे और फिर बोल देंगे कि इस बार तुझे लड़का होगा। अब कैसा है कि उसके बाद अगर लड़का हो गया तो फिर बाबा जी ने जो कहा सत्य है, पर अगर लड़की हो गई फिर बाबा जी बोलते नहीं, ये राहु का प्रकोप घूम गया था, ये शनि का ऐसा था, मंगल का वैसा था, ओके, ये हवन कराना पड़ेगा वापस से, ये पूजा कराना पड़ेगा, एंड स्टिल फिर और ज्यादा वो लोग तुमसे पैसे चार्ज करते हैं। अब इस अंधविश्वास के तहत हम लोग फंस जाते हैं। अब कैसा है ना कि ये सब एक जस्ट बाय चांस एक अंदाजी तुक्का मार दिया जाता है, इस बार लड़का होगा। अरे लड़का होगा लड़की होगी, चांस हमेशा 50% ही है, यू गेट दैट पॉइंट? ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास हजारों चॉइस है उसमें से कुछ होगा तो चांसेस कम है, नहीं। सो एवरी टाइम द चाइल्ड विल बी मेल और फीमेल, द चांस इज ऑलवेज 50%, ठीक है? तो इस हिसाब से ये चलता है। अच्छा, दूसरी जरूरी बात ये देखो, इन ह्यूमंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड अब देखो, आने वाला बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगी, हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, इसका सारा दोष एक औरत पे डाल दिया है, ओके? बट अगर हम लोग एक औरत की बात करें, फीमेल के पास तो हमेशा दो एक्स क्रोमोसोम है, यानी वो जब भी ओवम बनाएगी तो उसके पास एक्स क्रोमोसोम तो है ही। सो ओवम का नेचर हम लोग देख रहे हैं, ओवम का स्वभाव कैसा मालूम है? ओवम का स्वभाव, फीमेल का स्वभाव बेसिकली गॉड ने कैसे बनाया, रिसेप्टिव, रिसीव करती है, ठीक है? मैं अपनी तरफ से सब कंट्रीब्यूट कर रही हूं, अब मैं रिसीव करती हूं कि आप क्या देना चाहते हो,
आप उसे प्यार दो, आप उसे अटेंशन दो, आप उसे अपना घर दो, जिम्मेदारी दो, ओके, राइट? सो दैट इज व्हाट अ फीमेल जेंडर इज ऑल अबाउट. अब बेटा जब वो हमारे देश में कैसा होता है ना, वो अपना घर छोड़ के, अपना मायका छोड़ के ससुराल आती है और ससुराल में नया ड्रामा चल रहा है. ससुराल का ड्रामा कहता है कि तू बार बार लड़की को जन्म दे रही है, तुझ में ही खोट है, तेरी माँ में खोट है, तेरी माँ की माँ में खोट है. P1 जनरेशन के भी पहले चले जाते हैं वो लोग. अब यहां हमको ये समझना चाहिए कि फीमेल तो हमेशा अपना एक्स क्रोमोसोम दे रही है, राइट? ओके, अब अगर उसका ओवम एक्स वाले स्पर्म से कंबाइन हुआ तो लड़की होगा ना, एक्स और एक्स. और अगर उसका वही ओवम वाई वाले स्पर्म से कंबाइन हुआ तो लड़का होगा. सो अवस्थी सर अपने योयो बायो क्लास में क्या कहता है तुमसे कि तुम ये बात सबको सिखाओ कि हर फीमेल को ऐसा बायोलॉजी सिखाओ. तो जहां लोग उसको ताने मारे ना, उसके सास ससुर उसको बोले कि तेरे वजह से बार बार लड़की का जन्म हो रहा है, सो ऐसी फीमेल को ना ये पूरा क्रॉस लिख देना चाहिए और अपने सास ससुर को दिखा देना चाहिए, देखो ये है बायोलॉजी. एंड शी शुड बिकम फेड अप, शी शुड बिकम एंग्री कि भाई मैं तो अपना एक्स क्रोमोसोम दे रही हूं, सो मुझ पे दोष देने के बजाय व्हाई डोंट यू आस्क योर लड़का, अपने लड़के से पूछो, उसका कॉलर पकड़ के पूछो, तेरा वाई क्रोमोसोम किधर है, वाई इज योर वाई क्रोमोसोम नॉट कमिंग आउट एंड कंबाइनिंग, बिकॉज द फीमेल इज एनीवे गिविंग एक्स क्रोमोसोम. सो ये पूरा क्रॉसिंग बना देने का, अवस्थी सर का वीडियो दिखा देने का, दिवाली भी हो ना घर के बाहर जो रंगोली बनाते हैं उसमें भी पूरा क्रॉसिंग बनाने का, आस पड़ोस का लोग भी देखना चाहिए. जागरूकता, पड़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ओके. सो यहां हम लोग ये देख रहे हैं, इन ह्यूमंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय फादर. इनफैक्ट यही पॉइंट मैं वापस से लिखूं, द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय फादर में क्यों लिखा आ रहे, क्योंकि ये बात लोगों को समझ में ही नहीं आती. The sex of the child is not determined by mother. फीमेल तय नहीं कर रही है बच्चे का जेंडर. बच्चे का जेंडर तय करने वाला कौन है, मेल, क्योंकि मेल इज हेटेरोगैमेटिक. वो हेटेरो मींस डिफरेंट, वो तरह तरह का गैमेट बनाता है, उसका कुछ स्पर्म एक्स क्रोमोसोम वाला है, कुछ स्पर्म वाई क्रोमोसोम वाला है. Whereas फीमेल इज होमोगैमेटिक, शी इज ऑलवेज प्रोड्यूसिंग ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट जिसमें सब में एक्स क्रोमोसोम ही होगा. So at any point of time, if you come across this situation, जहाँ ये लड़का लड़की को लेके मारा मारी हो रहा है ना, tell them the female of today should learn good biology and she should talk to her mother-in-law, father-in-law and to her husband. कि she should say that, see, look, hello, I am a homogametic. I produce only one type of gamete, that is ovum, which contains 22 autosomes and one X chromosome, sex chromosome. And you are heterogametic. You produce two different type of sperms after meiosis, that is reductional division. And your each sperm contains 22 autosome, but some of the sperm will have X chromosome, some of the sperm will have Y chromosome. Now, if it is your X wala sperm which is combining with my ovum, then it will be a girl child always. And if it is your Y wala sperm combining with my ovum, then it is going to be a boy child. इतना बायो बोल दिया ना, पूरा परिवार उड़ेगा हवा में, बोलेगा हमको सिद्धि प्राप्ति हो गई, हमारी बहू तगड़ा बायो सिखा. फिर उससे पूछेंगे तुमको ये कौन सिखाया, तो बोल देना यो यो बायो, ओके, राइट? सो द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय फादर एंड नॉट बाय मदर. अब ये कैसा है ना कि बहुत सारे जगह पे फीमेल फीटीसाइड बहुत होने लगा बेटा. फीमेल फीटीसाइड यानी जब उनको पता चल जाता था ना कि गर्भ में आने वाला बच्चा लड़की है तो उसको मार दिया जाता था, एबॉर्शन करवा दिया जाता था. बहुत ही अच्छा हुआ कि एक कानून पास हुआ जिसको बोलते हैं PNDT एक्ट, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1996 में पास हुआ. अब इस कानून के तहत अगर कोई भी डॉक्टर आने वाले बच्चे का जेंडर अगर पेरेंट्स को बता देता है ना, तो डॉक्टर को पनिश किया जाएगा. So, इस कानून के तहत अभी हम लोग प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे का जेंडर पता नहीं लगा सकते. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट.
ओके, बट स्टिल आजकल बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं वो फिर भी आते हैं. ओके, आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज प्लेस्ड इन वन ऑफ द हॉस्पिटल विद माय फ्रेंड. ओके, एंड वी वर डूइंग सोनोग्राफी. सो वहां पर वो प्रेग्नेंट वुमेन का जब सोनोग्राफी हम लोग कर रहे थे ना, तभी उसका रिलेटिव आता है और बोलता है, डॉक्टर ठीक है सब. हम पूरा डिटेल बता रहे हैं उसको कि देखो बच्चे का वजन सही है, बच्चे का पोजीशन भी काफी अच्छा है. ओके, और गर्भ की जो थैली है वो भी नॉर्मल है, उसके अंदर पानी लिक्विड भी एकदम बराबर है. सो उसको वो सब नहीं सुनना है, वो पूरा हाँ 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 क्या बोला और डॉक्टर क्या है. सो ही वाज ट्राइंग टू आस्क कि अंदर द जेंडर इज मेल और फीमेल, क्या है. सो मैंने तुरंत उसको बोला बच्चा है. ओके, एंड ही वाज सरप्राइज्ड कि डॉक्टर क्या सिली आंसर कर रहे हैं. सो बच्चा ही है ना अंदर. हाँ, मेल है कि फीमेल है, दैट इज नॉट अलाउड, वो बोल नहीं सकते. ओके, सो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट के तहत ये अलाउड नहीं है. ओके, क्योंकि इंडिया में कैसा है ना, सेक्स रेशियो कम हो रहा है, द नंबर ऑफ फीमेल्स एज कंपेयर टू मेल्स इज डिक्रीजिंग. और इसी तरह से अगर हम लोग फीमेल्स की हत्या करते गए, ओके, सो कैसा फीमेल जेंडर का क्वांटिटी बहुत ही कम हो जाएगा और उसके हिसाब से जो एक बैलेंस है पॉपुलेशन का वो बिगड़ जाएगा बेटा. चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. डन. अब बेटा सेकेंड एग्जाम्पल पे चलते हैं. सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन हो गया, नाउ वी विल डू सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स. ग्रासोपर हमने देखा, ग्रासोपर में एक्स 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 जीरो टाइप का पैटर्न था, इंसानों में एक्स 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 वाई टाइप का पैटर्न है. अब हम लोग बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स. बर्ड्स में ना जेड जेड और जेड डब्लू टाइप का पैटर्न है. ओके, सेम स्टार्ट पी वन जेनरेशन, मेल फीमेल. अब खाली फर्क इतना है ना कि जैसे हम इंसानों में एक्स एक्स यानी सेम अल्फाबेट फीमेल थी और एक्स वाई अलग अल्फाबेट मेल था, बर्ड्स में उल्टा ले लो. ओके, सेम अल्फाबेट हम में फीमेल थी, बर्ड्स में कैसा है ना अलग अल्फाबेट फीमेल है. सो जेड डब्ल्यू इज फीमेल और मेल क्या है, जेड जेड. अब इसका क्रॉसिंग होगा बेटा, जीनोटाइप, मेल का जीनोटाइप जेड जेड, फीमेल का जीनोटाइप जेड डब्ल्यू. नेक्स्ट स्टेप गैमेट फॉर्मेशन. अल्फाबेट्स को अलग करो, Z और Z अलग हो गया, Z और W भी अलग हो गया. ओके, अच्छा ये गैमेट क्यों फॉर्म हुआ, दिस इज फॉर्म बिकॉज ऑफ रिडक्शनल डिवीजन कॉल्ड एज मियोसिस. अब यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि मेल में एक ही तरह का स्पर्म बन रहा है, एक ही तरह का गैमेट बन रहा है. सो यहां हम लोग बोलेंगे कि बर्ड्स में मेल कैसे होते हैं, मेल्स होते हैं होमोगैमेटिक और फीमेल्स में अलग अलग तरह का गैमेट बन रहा है. एक गैमेट ऐसा बन रहा है जिसमें जेड क्रोमोसोम है, एक ऐसा बन रहा है जिसमें डब्ल्यू क्रोमोसोम है. सो वी विल से फीमेल इज हेटेरोगैमेटिक. नेक्स्ट एफ वन जेनरेशन. अब फर्स्ट को फर्स्ट वाले से कंबाइन करो, सो वी गेट जेड एंड जेड. फिर फर्स्ट को सेकेंड वाले के साथ, सो यू गेट जेड डब्ल्यू. सेकेंड को फर्स्ट वाले के साथ जेड जेड, फिर बेटा सेकेंड को सेकेंड के साथ जेड डब्ल्यू. ओके, जेड जेड यानी मेल, सो दिस विल बी मेल बर्ड, फीमेल बर्ड,
ओके, मेल फीमेल। अब बर्ड्स में अगर हम लोग देखें तो यहां रिजल्ट में हमको क्या सीखने मिल रहा है, यहां रिजल्ट में ये सीखने मिल रहा है दैट द सेक्स यहां पे इज डिटरमाइंड बाय फीमेल। सो यहां पे इट इज द मदर हु डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि मदर अलग अलग तरह के गैमेट्स बनाती है। सो हम इंसानों में जब भी ऐसे दोष दे दिया जाता है ना एक औरत को कि तेरे वजह से तू बार बार एक लड़की को जन्म दे रही है, उसको बोलो ये आपकी बात गलत है, ऐसा बर्ड्स में होता है। फिर बर्ड्स का क्रॉस भी दिखा दो कि बर्ड्स में ZZ, ZW होता है, फीमेल हैज गॉट ZW टाइप ऑफ क्रोमोसोम, और आने वाला बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगी ये फीमेल तय करती है, क्योंकि फीमेल हेटरोगैमेटिक है। उसका अगर Z वाला क्रोमोसोम कंबाइन हुआ तो लड़का, और W वाला क्रोमोसोम कंबाइन हुआ तो लड़की। सो दैट इज अ सेक्स डिटरमिनेशन इन बर्ड्स। फिर हम लोग पढ़ेंगे सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बीज। इनमें कैसे पता चलता है, मधुमक्खी में इनमें कैसे पता चलेगा कि आने वाला बच्चा लड़का है कि लड़की है? तेरी मेरी भाषा में, आसान भाषा में हमको कैसे पता चलेगा कि आने वाला बच्चा मधुमक्खी है कि मधुमक्खा है? मक्खा नहीं होता है, ओके। वेदर इट इज अ मेल हनी बी और अ फीमेल हनी बी, उस बारे में बात करते हैं। अब हनी बीज में जो सिस्टम है ना उसको बोलते हैं हैप्लो डिप्लॉयड सिस्टम, हैप्लो डिप्लॉयड सिस्टम। ओके, अब बात ध्यान से सुनो सर, ये हैप्लो डिप्लॉयड सिस्टम क्या है? हैप्लो डिप्लॉयड सिस्टम में सेम स्टार्ट, मेल फीमेल P1 जेनरेशन, जीनोटाइप। अब हनी बीज में हैप्लो डिप्लॉयड सिस्टम इसीलिए क्योंकि जितने भी मेल हनी बी है, मेल हनी बी को हम लोग ड्रोन बोलते हैं, ओके जितने भी मेल हनी बी है ना उसको हम लोग ड्रोन बोलते हैं। सारे मेल्स हैप्लोइड होते हैं, हैप्लोइड यानी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी एन, और जितनी भी फीमेल्स है ना वो सब की सब डिप्लोइड होती है, डिप्लोइड यानी डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स यानी 2N। यानी हनी बीज में जितने भी मेल हनी बी है, जितने भी ड्रोन है, उनके हर एक सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम अगर काउंट करोगे ना तो उनके पास सिर्फ 16 क्रोमोसोम होते हैं, और जो फीमेल्स होती है ना उनके हर एक सेल के अंदर 32 क्रोमोसोम होते हैं। अब ये बात समझ लो अच्छे से, लिसन टू दिस वेरी 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 केयरफुली बेटा, इसमें है ना बहुत ही अमेजिंग टर्म आने वाला है। सो हनी बीज में कैसा है ना, ह्यूमंस और बर्ड्स के मुकाबले, ह्यूमंस और बर्ड्स में आने वाले बच्चे का जेंडर वाज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ क्रोमोसोम, कि कौन सा तरह का क्रोमोसोम है। अगर XX है तो इंसानों में लड़की, XY है तो लड़का, बर्ड्स में अगर ZZ है तो लड़का, ZW है तो फीमेल। So, क्रोमोसोम का टाइप तय करता था कि अल्फाबेट कौन सा है। हनी बीज में क्रोमोसोम का नंबर तय करता है कि लड़का होगा कि लड़की होगा। अब यहां अल्फाबेट्स नहीं लिख रहे हम लोग, इट इज नॉट द टाइप ऑफ क्रोमोसोम, इट इज अ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर 16 क्रोमोसोम है तो लड़का, और 32 क्रोमोसोम है तो लड़की। चलो, शुभ विवाह रचाया गया है मधुमक्खी और मधुमक्खा के बीच, इसको हम बोलेंगे ड्रोन, और इसको हम लोग बोलेंगे क्वीन। हाँ, इनमें एक और बहुत कमाल की बात होती है, मधुमक्खी में कैसा होता है ना, जितनी भी फीमेल्स होती हैं, फीमेल में है ना वर्कर बीज भी होती हैं जो काम वगैरह करती हैं, और एक क्वीन होती है। अच्छा, अब वर्कर बी और क्वीन में क्या फर्क है कि कोई भी हनी बी अगर रॉयल जेली यानी जो शहद है उसको अगर खा ले तो क्वीन में विकसित हो जाती है। इसलिए जब तक उनके छत्ते में, मधुमक्खी के छत्ते में जब तक क्वीन जिंदा है ना, सो किसी और को रॉयल जेली खाने देती नहीं है। रॉयल जेली खाने के बाद उसके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जाने के बाद उसमें बच्चा पैदा करने की क्षमता आ जाती है, ओके। सो ओनली क्वीन कैन रिप्रोड्यूस, और क्वीन महारानी रिप्रोड्यूस किससे कर रही है, ड्रोन के साथ, ड्रोन यानी मेल, और मेल क्या है, वर्कर है, तुच्छ प्राणी। अब इसमें एक बहुत कमाल की बात यह है कि ड्रोन जब क्वीन से रिप्रोड्यूस करता है ना तो रिप्रोडक्शन के बाद मर जाता है, अपने आप मर जाता है, उसके बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, वो मर जाता है, ओके। इसलिए ना इनमें देखो मेल्स की जिंदगी कितनी खराब है, वो जब रिप्रोडक्शन करते हैं रिप्रोडक्शन के बाद सजाए मौत, ये इनमें तय होता है बेटा। अच्छा,
अब आगे का क्रॉसिंग देखते हैं कि मेल्स में तो ऑलरेडी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, सो उसका जब गैमेट बनेगा सुना बात ध्यान से, सो उसका जब गैमेट बनेगा ना, ये गैमेट बनेगा माइटोसिस के द्वारा। यहां मियोसिस नहीं हो सकता क्योंकि मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस क्या करता है, 2n को n कर देता है, ओके क्रोमोसोम को आधा कर देता है। अब ये तो ऑलरेडी आधा है ना, तो आधे का आधा होगा नहीं, इसलिए यहां माइटोसिस के द्वारा गैमेट्स बनता है बेटा। ध्यान देते यहां, ओके वेर एज क्वीन में सेम होगा, क्वीन में जो भी गैमेट बनेगा वो मियोसिस के द्वारा बनेगा। So, 2n को आधा आधा कर दिया जाएगा, n और n, 16 क्रोमोसोम इधर 16 क्रोमोसोम इधर। अब बेटा मैं तुझे एक बहुत कमाल की बात बोलता हूं, पॉइंट नंबर वन, देर इज एन ऑर्गेनिज्म हु हैज no father but has grandfather। एक ऐसा प्राणी है जो पैदा हुआ है जिसके पिता नहीं है। सर पिता नहीं है मतलब पिता मर गए क्या? नहीं नहीं नहीं, डेथ नहीं हुआ है, यानी पिता थे ही नहीं, वजूद में ही नहीं थे, एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। सर अगर पिता नहीं थे तो ये पैदा कैसे हुआ? वही तो मिस्ट्री है यहां पर कि ऐसा भी एक प्राणी है जिसके पिता नहीं है पर उसके दादाजी है। सर पिता नहीं है पर दादाजी है, ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ? आएंगे इस पे, बहुत कमाल का सेंटेंस लिखा है मैंने बोर्ड पे, जो हम पढ़ रहे हैं ना उसी से संबंधित है, उसको मैंने थोड़ा तोड़ मरोड़ के लिखा है बेटा। सेकंड, कैन यू थिंक ऑफ रिप्रोडक्शन That means childbirth without fertilization। अब ये तो मैंने लैंग्वेज के हिसाब से लिख दिया, हाई फाई। यानी कभी सोच सकते हो कि बच्चे को जन्म दिया जा सकता है बट रिप्रोडक्शन नहीं करना है, फर्टिलाइजेशन नहीं करना है। ये तो वही बात हो गई कि समझो अगर एक इंसान हमारे पास आता है, एक औरत हमारे पास आती है, बोलती है डॉक्टर मुझे बच्चे को जन्म देना है। तो डॉक्टर बोलता है बहुत अच्छी बात है, आप शादी कर लो, ठीक है, आपके हस्बैंड और आप शारीरिक संबंध बनाओ, यू हैव सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे, फिर आप बच्चे को जन्म दे दो। वो भड़क जाती है, भड़क के बोलती है डॉक्टर इतना तो मुझे भी पता है, मुझे बच्चे को जन्म देना है पर मुझे कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाना, मुझे कोई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं करना है, ओके मुझे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं करना है, स्पर्म और ओवम कंबाइन नहीं होना चाहिए। डॉक्टर बोलता है अरे बाबा उड़ी बाबा, तो ऐसा बच्चा कैसे जन्म होएगा? देखो भाई हम डॉक्टर हैं, हम कोई तांत्रिक तो नहीं है या ऋषि मुनि नहीं है कि हम बोल देंगे तथास्तु बच्चे का जन्म हो जाएगा, राइट। सो यहां समझने वाली बात यह है कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट है कि ऐसा भी मुमकिन है, पर किसमें? हनी बीज में। देखो ये दोनों बातों को हम लोग है ना समझ के लेंगे आगे वाले पार्ट से। अब गैमेट फॉर्मेशन हो चुका है, गैमेट फॉर्मेशन के बाद आएगा F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में मेल का गैमेट फीमेल के गैमेट से कंबाइन होगा बेटा, N और N कंबाइन होके बनेगा 2N, 16 और 16 कंबाइन होके बनेगा 32। तो ये हो जा रहा है 2n is equal to 32, ओके फिर 2n is equal to 32, 32 32 क्रोमोसोम यानी फीमेल ना, सो ये अंडे में से जितनी भी हनी बीज आएंगी वो सब की सब क्या होंगी? फीमेल होंगी। वेरस ये वाला जो ओवम है, ये वाला जो फीमेल गैमेट है, ये डायरेक्टली अंडे में कन्वर्ट हो जाएगा और इसमें से जो बच्चा आएगा ना वो मेल होगा। सर ये डायरेक्टली क्या कॉन्सेप्ट है? दैट मीन्स यहां पे द चाइल्ड इज बॉर्न Without fertilization. This is fertilization, combination of male gamete with female gamete.
सो यहां पे व्हाट डू वी सी, द चाइल्ड इज बॉर्न विथ फर्टिलाइजेशन. शॉर्ट में लिखा विथ फर्टिलाइजेशन, बट यहां पे द चाइल्ड इज बॉर्न विदाउट फर्टिलाइजेशन. This process where the child is born without fertilization is called as parthenogenesis. Very important. Parthenogenesis. यानी अब ये समझो, queen honey bee क्या करती है ना, queen honey bee के अंदर gametes तैयार हो रहे हैं, okay, जिसमें 16 और 16 chromosome है. अगर उसका ये egg male के द्वारा fertilize होता है तो 16 तो था male की तरफ से और 16 chromosome आएगा तो 32 chromosome हो जाएगा. फिर ये आगे चल के ये अंडा जब फूटेगा और इसमें से जो हनी भी बाहर निकलेगी ना वो फीमेल होगी. बट अगर समझो कोई मेल उसके साथ रिप्रोड्यूस ही नहीं करता है, मेल थोड़ा भाव खा रहा है कि जा नहीं रिप्रोड्यूस करना है, तू होगी महारानी, मैं भी हूं मेल, मुंह फेर लिया. तो ऐसे टाइम पे क्या होगा ना, अगर कोई मेल यानी कोई मेल गैमेट फर्टिलाइज नहीं करता ना, तो क्वीन ने जो एग जिसमें n is equal to 16 क्रोमोसोम है वो अपने आप ही विकसित होएगा आगे, और फिर वो आगे चल के अंडा बनेगा. वो अंडा जब फूटेगा ना तो उसमें से जो हनी भी बाहर निकलेगा वो मेल होगा. फिर क्वीन बोलेगी देख तूने कंट्रीब्यूट नहीं किया मेरे को, फिर भी मैंने तेरे जैसा प्राणी को जन्म दे दिया. हनी बीज में सोचो ऐसा होता है. अब ये जो एक्ट है ना जहां पर बच्चे का जन्म हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस. सेम चीज बायो पेपर वन बॉटनी में आता है जहां पार्थेनोकार्पी हम पढ़ते हैं. पार्थेनोकार्पी में द फ्रूट्स आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन. पेड़ों के ऊपर फल बन जाता है बट वो फल बनाने के लिए फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ रहता है. दैट इज व्हाई दीज फ्रूट्स आर सीडलेस फ्रूट्स. इसके अंदर सीड्स नहीं होता है बेटा. उस बारे में हम लोग पेपर वन में बॉटनी में डिटेल में पढ़ेंगे. सो दूसरा वाला पॉइंट तो यहां क्लियर हो गया कि ऐसा भी रिप्रोडक्शन और चाइल्ड बर्थ मुमकिन है जहां फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ. यानी सोचो ये क्वीन अगर नहीं भी रिप्रोड्यूस करे ना मेल के साथ, यानी शारीरिक संबंध नहीं भी बनाए, फिर भी ये बच्चे को जन्म दे सकती है. ऐसी खूबी कुदरत ने हनी बीज को देके रखा है. दूसरा ऑर्गेनिज्म हु हैज नो फादर बट हैज ग्रैंडफादर. ये किसकी बात कर रहे हैं, ये हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, मेल हनी बी की बात कर रहे हैं. अब ये ना ये एक तरह से पहेली जैसा है, रिडल है. ऐसा एक प्राणी बताओ जिसके पास पिता नहीं है पर उसके पास दादाजी है. तो ऐसा प्राणी कौन है? ऐसा प्राणी है मेल हनी बी. क्यों? क्योंकि मेल हनी बी में 16 क्रोमोसोम है. यानी इस मेल का जो भी अस्तित्व है, इसका जो भी जन्म हुआ है, इस मेल का फीमेल पेरेंट है. यानी इसको पैदा किसने किया? इसने. बट इसको पैदा करने में इसका फादर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ना, यानी इसका फादर तो है ही नहीं. सो मेल हनी बीज इनकी जिंदगी कितनी ही विचित्र है कि ये जब स्कूल में जाते हैं ना, स्कूल में हम कैलेंडर भरते हैं ना, उधर हम लोग भरते हैं ना मदर्स नेम, तो उधर वो लिखता है क्वीन हनीबी. फादर्स नेम तो उसके आगे वो लिखता है नॉट एप्लीकेबल. नॉट एप्लीकेबल यानी ऐसा नहीं कि फादर एब्सेंट या मर गया. नॉट एप्लीकेबल यानी मेरे से पूछने का ही नहीं, हमारे लिए फादर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, फादर का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं है. सो मेल हनीबी हैज नो फादर बट हैज ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर का मतलब क्या? अब इसकी मां कौन है? सुना, ध्यान से सुन. ओके, इसकी मां ये है, यानी इनका ये वाला जनरेशन. अब इसके जन्म के लिए, इसके जन्म के लिए फीमेल का भी कंट्रीब्यूशन चाहिए और मेल का भी कंट्रीब्यूशन चाहिए. यानी इसका तो पिता है ना, सो इसकी मम्मी का पिता यानी इसके नाना जी है. ओके, नाना जी, रिमेंबर प्रॉपर हिंदी के हिसाब से, इंग्लिश के हिसाब से ग्रैंडफादर. सो इसके नाना जी है पर इसके पिताजी नहीं है. सो देयर इज अ मेल हु हैज नो फादर बट हैज ग्रैंडफादर, दैट इज हनी बी. चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा. ऑलराइट, ठीक है बच्चों. तो ये था हमारा आज का लेक्चर जहां हमने अमेजिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया, जहां हमने सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज के बारे में डिस्कस किया. इसका प्रॉपर नोट्स बनाओ और जो जो पॉइंट्स तुमने सीखे हैं, ओके, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ो. लोगों को भी बताओ कि है एक सब्जेक्ट बायोलॉजी, है एक टीचर अवस्थी सर, ओके, जो इससे बहुत प्यार करता है और जो तुमको एहसास दिलाता है कि ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट बहुत ही अमेजिंग है, इसमें बहुत कुछ सीखने मिलता है बेटा. ओके, मन लगा के पढ़ते रहो, हमको डॉक्टर बनना है, मिशन MBBS. सो रीड बायो, ब्लीड बायो, यो बायो. थैंक यू.